Good morning, student. Today I here start a new lesson, that is lesson number 11, Economic Development, from civics portion. In our daily life, we see people going to work. Some of them go to agriculture fields, factories, different civil services, jaise education, health, sanitation, transportation, security, etc. Some have their independent business and industries. By the power works, they earn income. ये जितने भी वर्क करते हैं, पीपल सब वर्क पे जाते हैं और उसी वर्क से वो इनकम अर्न करते हैं. द पीपल मेड देयर नीड्स बाय देयर इनकम. जो भी उनकी जरूरतें होती है वो इसी इनकम से फुलफिल करते हैं. सम पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड थ्रू प्रोडक्शन एंड सम थ्रू सर्विसेज. कोई अपने प्रोडक्शन से अर्निंग अर्न करता है एंड कोई सर्विसेज से. इफ द एंटायर इनकम ऑफ द पीपल इज एडेड, द टोटल इनकम विल बी नोन एज नेशनल इनकम. जब हर एक पर्सन की इनकम को टोटल कर दिया जाएगा तो उसे हम नेशनल इनकम कहेंगे. एंड इफ डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, उस टोटल इनकम को हमारे यहाँ की पॉपुलेशन से हम डिवाइड कर देंगे, देन द रिजल्ट विल बी नोन एज अ पर कैपिटा इनकम. मतलब हर एक व्यक्ति की कितनी इनकम, मतलब एक एस्टीमेट हम निकाल सकते हैं. जैसे यहाँ पे हमें फॉर्मूला दिया है पर कैपिटा इनकम निकालने का, नेशनल इनकम मतलब हमारे यहाँ की टोटल इनकम, पर यहाँ की पॉपुलेशन से हम डिवाइड कर देंगे, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री. On the basis of this national income or per capita income, India, Pakistan, China, Nepal have been declared developing countries, and the US, Japan, Singapore and Britain are known as developed countries. इसी capital income के basis पे India, Pakistan, China, Nepal को developing मतलब अभी भी develop हो रही है countries कहा गया, और बाकी की countries को developed कहा गया मतलब इनकी प्रगति हो चुकी है. The focus is mostly on the necessities like food, clothes, house, health and education in the developing nation. जो main focus है developing nation का वो इन्हीं चीजों पे. Before 1947, India was under the British rule. The British plundered our country's wealth recklessly. Their rule gave a severe jolt to the domestic economy of India. The policy of the British was to use India as a vast source of raw material and the market for their finished goods. They did not encourage Indian industries. अगर हम 1947 से पहले की बात करें तो हमारे यहाँ पे जितने भी ब्रिटिशर्स ने वो थे, उन्होंने हमारे इंडिया के रॉ मटेरियल को और मार्केट को पूरी तरह से इतना यूटिलाइज किया था कि वो अब इंडिया जो था वैसा ही ना रहा था. They could get the raw material from India at reasonable price. हमारे यहाँ से reasonable price पे raw material रहते थे and send their goods in India at a much higher rate. और वो हमारे इंडिया में जो गुड्स सेल करते थे वो उसे डबल कीमत में देते थे. As a result, such policy, India became very poor. हमारे इंडिया जो था एक गरीब देश बन गया. Independent India was burdened with a backward economy as inheritance. जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे ऊपर एक बर्डन था, किसका? बैकवर्ड इकोनॉमी का. मतलब यहाँ पे जो लोग थे वो कैसे हो गए थे? अब गरीब हो गए थे. इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चर कंट्री. इंडिया को क्या बताया गया? एक एग्रीकल्चरल कंट्री बताया गया, मतलब खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं यहाँ. At present, 60% population is engaged in agriculture. Hence, it is essential to know agriculture development. हमारे यहाँ की मेनली पॉपुलेशन किस पे है एंगेज? एग्रीकल्चर पे. इसलिए हमें यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जानना जरूरी है. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर इज द बेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इट हैज 26% कॉन्ट्रीब्यूशन इन द टोटल GDP. मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारे यहाँ की जितना भी इनकम होती है उसमें 26% किसकी हिस्सेदारी होती है? एग्रीकल्चर की. इंडियन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस फूड ग्रेन्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज. प्लांटेशन, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशरीज आर इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर. ये सारी चीजें भी एग्रीकल्चर में ही आती हैं. देयर इज अ डायवर्सिटी इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. द टाइप ऑफ सॉइल्स जैसे सनशाइन, रेन, सोइंग टाइम, रिपिंग ऑफ हार्वेस्ट आर डिफरेंट इन वेरियस एरिया. हर तरह के एरिया की अलग अलग सॉइल होती है, मतलब क्रॉप्स लगाने का टाइम अलग होता है, रेन अलग होती है और उनको हार्वेस्ट करने का टाइम भी अलग होता है. एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है? अ वास्ट पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर इन इंडिया. They get employment, food grains and income from it. We get raw materials for industry. With the crops produced, the farmers get income which lifts their lifestyle. The productivity of agriculture is not even in every part of India. Even today, our agriculture solely depends on monsoon. अगर हम अभी की बात करें तो हमारे यहाँ पे जितना भी मेनली एग्रीकल्चर वो किस पर डिपेंड है? मानसून पे. Due to natural defenses like nature of land,
क्लाइमेट, इरिगेशन फैसिलिटीज, फार्मर्स ऑप्ट फॉर डिफरेंट एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ के डिफरेंट तरह के कंडीशन है, इसलिए फार्मर भी डिफरेंट तरह के एग्रीकल्चर करता है। द फ्यू टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, आप यहाँ पे कुछ टाइप्स के एग्रीकल्चर बताए हैं। फर्स्ट वन इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इन दिस एग्रीकल्चर मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया स्टिल यूज ट्रेडिशनल टूल्स फॉर फार्मिंग, पुराने ही टूल्स यूज करता है फार्मिंग के लिए। एंड दे कैन नॉट मेक यूज ऑफ रिफाइंड सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स को भी यूज नहीं करता है क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल डिस्टेंस रहते हैं। एंड इसी कारण क्या होता है, प्रोडक्शन इफेक्ट करता है। द फूड प्रोडक्शन इज कंज्यूम बाय देयर फैमिली मेंबर्स, और जो प्रोडक्शन करते हैं वो सिर्फ फैमिली मेंबर्स द्वारा ही कंज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इन द मोस्ट बैकवर्ड एरियाज वेयर फॉरेस्ट आर इन अबंडेंस, पीपल मैक लैंड वर्थ कल्टीवेशन बाय कटिंग ट्रीज एंड बर्निंग इट्स स्टेम्स एंड रूट्स। सम कोर्स ग्रेन्स लाइक ड्राई मेज, मिलेट एक्सेट्रा इज ऑन इन दिस लैंड। हाउएवर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हैज बीन डिस्करेज एज फॉरेस्ट वॉज एडवर्सली अफेक्टेड। इसमें क्या होता है, फॉरेस्ट को कट कर दिया जाता है, मतलब ट्रीज को हटा के उसकी जगह पे कुछ और लगाया जाता है, पर ये एक डिस्करेज एग्रीकल्चर जिसके कारण क्या हो रहा है, फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं हमारे। एंड द प्रोडक्शन वाज आल्सो वेरी लेस, प्रोडक्शन भी बहुत कम होता है। नेक्स्ट है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर मीन्स प्लांटिंग ट्रीज और बुशेस विच गिव यील्ड ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स। दे रिक्वायर्ड एफिशिएंट एंड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, स्किल्ड बट इज चीप लोकल लेबर एंड वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग फैसिलिटीज। प्लांटेशन इज दस अ लार्ज यूनिट प्रोड्यूसिंग अ सिंगल क्रॉप ऑन अ स्केल दैट रिसेंबल्स फैक्टर्स प्रोडक्शन दैट इज टी रबर एसेक्टा। मतलब ये सिर्फ प्लांटिंग होता है, मतलब किसी और जगह से किसी और जगह पे लगाना, इसमें लेबर भी जो होता है वो लोकल लेबर होता है और वो चिप होता है, और इसके मार्केटिंग ज्यादा होती है, जैसे चाय पत्ती वगैरह लगाना, कॉफी टी वगैरह लगाना, ये सब इसके अंदर इंक्लूड है। देन फोर्थली है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। बाय द यूज ऑफ एरिगेशन फैसिलिटीज, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, फार्मिंग ऑन द सिंगल लैंड कंटिन्यूअसली मेनी टाइम इन अ ईयर इज कॉल्ड इंटेंसिव एग्रीकल्चर। एक ही जगह पे बहुत बार एक ही फसल को लगाना, क्रॉप को लगाना। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑन अ स्मॉल लैंड मोर प्रोडक्शन एंड इनकम इज डिराइव फ्रॉम अ स्मॉल लैंड बाय एग्रीकल्चर। यहाँ पे स्मॉल प्रोडक्शन ही होता है और इनकम भी वैसे ही स्मॉल होती है। इन अवर कंट्री वेरियस प्लांट्स एंड फूड ग्रेन लाइक पल्सेज, ऑयल सीड्स, फाइबरस ग्रेन्स, बिवरेजेस एंड कैश क्रॉप्स आर प्रोड्यूस। इंडिया हैज बिकम सेल्फ रिलायंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। द सेल्फ डिपेंडेंस इज ऑल ड्यू टू प्लांटेशन, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, यूज ऑफ लेटेस्ट टूल्स, हाई यील्डिंग वेटिंग सीड्स, मैन्यूर, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। टूडे वी आर सेकंड टू चाइना इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड वीट। अगर हम आज की बात करें तो राइस और वीट के प्रोडक्शन में हम चाइना से सेकंड नंबर पे हैं। With the same dependence on food grains and export of agriculture production, foreign currency is earned which increases national income. अगर हम कोई food grain को export करते हैं या agriculture को production को, तो foreign currency के comparison से हमारे यहाँ की जो national income है वो increase होती है। Hence development of agriculture is essential, इसलिए agriculture का development जरूरी है। Next topic है industrial development. In fact, the developed countries should not only be self-reliant in food grains, but they should be sound in export too. This capacity includes capital and infrastructure industries, iron, cement, machines, etc., and processing of raw material like cloths from cotton, sugar from cane, paper from wood, and aluminium from bauxite, steel from iron, etc. The economic capability of a country is judged by the development of its manufacturing industries. हमारी इंडिया यानी कंट्री की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी हम कैसे जज कर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। दिस इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इज रिड्यूस। ये जो पीपल हैं यहाँ पे इन इंडस्ट्रीज में जाके एम्प्लॉयड होंगे तो ये एग्रीकल्चर के ऊपर कम डिपेंड होंगे। एंड फॉरेन इनकम इज अर्न फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, और जितना हम गुड्स मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करेंगे उतनी ही हमारी इनकम इंक्रीज होगी। इसलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीपल। द इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड इंटू स्मॉल एंड लार्ज स्केल, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट एंड कॉपरेटिव ग्रुप्स। द इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉलोइंग अदर टाइम्स। फर्स्ट, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, जूट, सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स, शुगर एंड ऑयल्स आर द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर। फॉर सेंचुरीज इंडिया वॉज नॉन फॉर हर कॉटन एंड सिल्क फाइबर फैब्रिक्स। इंडिया एक्सपोर्ट्स कॉटन क्लॉथ्स इन रेडीमेड फॉर्म्स। हमारे यहाँ से इंडिया से रेडीमेड फॉर्म में क्लॉथ्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। दे आर एक्सपोर्टेड टू यूएस, ब्रिटेन, रशिया एंड फ्रांस, ईस्टर्न यूरोप
countries to Europe, Nepal, Singapore, Sri Lanka and African countries. These cotton mills are located mostly in Maharashtra, Gujarat, West Bengal, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Tamil Nadu. जूट एंड जूट गुड्स आर द सेकेंड मेजर इंडस्ट्री इन इंडिया. हमारी इंडिया की सेकेंड मेजर इंडस्ट्री बताई है. वुलन क्लॉथ्स आर प्रोड्यूस्ड इन पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा एंड राजस्थान. द वुलन क्लॉथ्स फ्रॉम इंडिया आर एक्सपोर्टेड टू मेनी कंट्रीज. इन द शुगर प्रोडक्शन इंडिया स्टैंड सेकेंड इन द वर्ल्ड. उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र हैव मैक्सिमम शुगर मिल्स इन इंडिया. आंध्र प्रदेश एंड गुजरात ऑल्सो हैव शुगर मिल्स. तो ये जितनी भी इंडस्ट्रीज थी किस पे बेस्ड थी? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे. नाउ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? सच इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल. कैसा रॉ मटेरियल है उसका? आयरन, स्टील, सीमेंट, केमिकल्स आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. द फर्स्ट आयरन स्टील प्लांट वॉज सेटअप एट पोर्टनोवा इन तमिलनाडु इन 1830. और मॉडर्न आयरन स्टील प्लांट जो था वो कहाँ सेटअप हुआ था? जमशेदपुर इन 1907 झारखंड में. आयरन स्टील इज ए हैवी इंडस्ट्री बिकॉज द रॉ मटेरियल यूज इज हैवी एंड बल्कि आयरन इंडस्ट्री जो होती है वो हैवी होती है क्योंकि उसका रॉ मटेरियल इतना हैवी होता है. This include iron ore, coking coal, limestone and manganese ore. Besides, India has chemical industries under which fertilizers, artificial fibers, rubber, plastic goods, pens and medicines are made. Transport equipment जैसे rail engines, coaches, motor vehicles में सब include bus, truck, car, motorcycle, aeroplanes and shipbuilding industries and heavy industries and electronic industries have been set up. The above industries provide employment in large numbers to the people and all these efforts are the symbol of our industrial development. तो जितनी ज्यादा इंडस्ट्री डेवलप होगी उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा. नेक्स्ट है सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा फॉर्म द सर्विस सेक्टर. इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. सर्विस सेक्टर की बात करें तो जिसमें टेक्नोलॉजी, बैंक, इंश्योरेंस या कोई भी फाइनेंशियल या प्रोफेशनल सर्विस की बात करें तो इसी के इंक्लूड होती है. एंड हमारे अगर वर्ल्ड में बात करें इंडिया की तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इंडिया वन है. कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें, अ नोटेबल फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन अवर कंट्री हैज बीन द एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री. ये जो होती है कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्री कही जाती है. एज दे नीड लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट. कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होता है एंड गुड्स आर मेड बाय द फैमिली मेंबर्स द्वारा ही प्रोडक्ट बनाए जाते हैं. द फार्मर्स आर बिजी फॉर 6 months इन अ ईयर. 6 महीने के लिए वो फार्मिंग करते हैं. एंड वेन दे हैव नो वर्क. जब 6 महीने के लिए उनके पास काम नहीं रहता है तो 6 months दे अर्न मनी by these industries produce various traditional products like baskets, small toys, beads, ropes, envelopes, papad, mats, bari, spices and weaving cloth etc. ye sare products inke dwara banaye jate hain. Poor people can earn money without much capital investment. Jo poor people hote hain bina investment lagaye wo isse hi money earn karte hain. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर जनरली रन विद द हेल्प ऑफ हायर लेबर्स. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है वो हायर लेबर्स द्वारा रन की जाती है. नाउ द गवर्नमेंट इज टेकिंग सेवरल मेजर टू डेवलप दिस इंडस्ट्री. अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज आर नाउ बीइंग गिवन टू देम टू एक्सपांड एंड प्रोड्यूस मोर एंड द अनएम्प्लॉयड आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट. अब इसके लिए गवर्नमेंट भी वर्क कर रही है ताकि अनएम्प्लॉयड पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिल सके. नाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और 5-year प्लान्स क्या होते हैं? Planning means to move forward in facilities to fix a priority and to achieve aims and purposes. This depends on the fact that we must think before moving ahead. मतलब हम कहीं भी स्टेप लेते हैं या कुछ भी डेवलपमेंट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? प्लानिंग होता है. प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट मीनिंग यही बताया है. This depends on the fact that we must think before moving ahead. With the implementation of this, there has been a lot of growth in agriculture. Production in industries. The 3 aspects addressed in the 11th five-year plan. 11th five-year plan के बारे में यहाँ पे बताया है. First, to fix developmental goals and set the priority. सबसे पहले हमें goal set करना है and उसकी क्या priority रहेगी. To make maximum use of the available resources. The produced goods and income earned by them should be distributed judiciously. जो भी goods हम produce करते हैं और उससे जो income हमें मिल रही है वो कैसे distribute करनी चाहिए? Equally. The name of the 5-year plan is to enhance development through planning. At present, the 12th 5-year plan is in progress.
12 5-year प्लान के बारे में बताया है, और चूंकि बुक बहुत पुरानी एडिशन है इसलिए अभी जो 5-year प्लान है वो इंक्रीज हो गया है, 12 से इंक्रीज हो गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में देखें, दिस योजना वॉज स्टार्टेड बाय द बैंक इन 1998-99 टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। इस योजना को 1998-99 में स्टार्ट किया गया था ताकि वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन फार्मर्स की इम्प्रूव हो सके। अ शॉर्ट टर्म लोन एट लीस्ट इंटरेस्ट रेट वॉज मेड अवेलेबल टू द फार्मर्स थ्रू दिस कार्ड। उन्हें शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है और उसके साथ में इंटरेस्ट भी इंक्लूड रहता है। बाय प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस फॉर क्रॉप्स द रिस्क फैक्टर फॉर द फार्मर वॉज फर्दर रिड्यूस। अगर हम इंश्योरेंस भी इसमें प्रोवाइड करते हैं इस कार्ड की, उसमें इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए जिसमें जो रिस्क फैक्टर है फार्मर्स के लिए वो रिड्यूस होता है। इंश्योरेंस फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर द फार्मर ऑल्सो। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के बारे में हम बात करें, टू इंश्योर द क्रॉप अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज रेन बिलो एवरेज रेन फॉल फ्रॉस्ट डिजीज गवर्नमेंट स्टार्टेड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। इन दिस स्कीम इफ द क्रॉप इज डैमेज, इस स्कीम के अंदर ये बताया अगर क्रॉप डैमेज होता है तो फिक्स अमाउंट इज गिवन टू द फार्मर टू एंकरेज एग्रीकल्चर। ऐसा नहीं हो कि उसका अगर क्रॉप खराब हो गया है तो वो एग्रीकल्चर नहीं करे, इसके लिए उनको एक फिक्स अमाउंट दे दिया जाता है ताकि वो आगे जाके भी एग्रीकल्चर कर सके। अ मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन द एंशियंट टाइम्स इंडियन इकोनॉमी वॉज रिच एंड डेवलप। पुराने समय की बात करें तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी, रिच और डेवलप थी। इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, हमारी इंडिया भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। द इंडस्ट्री ऑफ पॉटरी मतलब वो घड़े वगैरह बनाना, मेटल बिल्डिंग्स वर इन द एडवांस स्टेज ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये एडवांस था। इन द मेडिवल पीरियड की बात करें तो इंडियन सिल्क वॉज इन सच अ हाई डिमांड। हमारे यहाँ का सिल्क जो था वो हाई डिमांड में था, दैट रोमन पीपल वर रेडी टू पे इन गोल्ड, मतलब उसके बदले वो गोल्ड देने को तैयार होते थे जो हमारे इंडियन सिल्क का वेट होता था। द ईस्ट इंडियन कंपनी इन द इनिशियल स्टेजेस यूज टू परचेज इंडियन क्लॉथ। ईस्ट इंडियन कंपनी जो थी हमारे यहाँ पे इंडियन क्लॉथ परचेज करती थी, स्पाइसेस एंड कॉटन प्रोडक्ट्स भी करती थी इन रिटर्न ऑफ प्रीशियस मेटल, उसके बदले में हमें प्रीशियस मेटल देती थी वो। लेटर सिचुएशन चेंज, उसके बाद में सिचुएशन चेंज हो गई। ड्यूरिंग 6 decades ऑफ अवर इंडिपेंडेंसी वी हैव मैन लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट, हमारे यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट है एंड वी रिप्ड बेनिफिट्स ऑल्सो, बट स्टिल देर आर फ्यू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हमने बेनिफिट्स तो किए हैं पर उसके बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम्स है बिफोर अस एंड सम ऑफ दी प्रॉब्लम, जैसे हमारे यहाँ पे पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, प्राइस राइज मतलब हर कीमतों में बढ़ावत होना एंड पॉपुलेशन ग्रोथ हैव ड्रॉन सीरियस अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। द प्रॉब्लम्स आर, और जो प्रॉब्लम्स बताई है पहले हैं पॉपुलेशन। द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज द मेजर प्रॉब्लम इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारा जो ग्रोथ हो रही है वो ज्यादा हो रही है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इश्यूज लाइक पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर स्टिल वैक्सिंग। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे यहाँ पे अभी भी है। इन 1951 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज 36 crore विच इंक्रीज टू 121 crore बाय 2011। द मेन कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ आर पॉवर्टी, सबसे बड़ा कॉज क्या है, पॉवर्टी, इलिटरेसी, पढ़ा लिखा नहीं होना, डिजायर टू हैव मेल चाइल्ड, लड़की की चाइल्ड होना, टू रन द फैमिली एंड चाइल्ड मैरिजेस। द पॉपुलेशन इंक्रीज इम्पेक्ट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन, दिस लीव्स अ लास्टिंग इफेक्ट ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स आर नॉट पॉसिबल एट द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जिस अकॉर्डिंग में हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसी रेट में हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन फूड ग्रेन का नहीं हो रहा है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है और एग्रीकल्चर इज नॉट कैपेबल ऑफ बियरिंग द बर्डन ऑफ फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन इन इंडिया। ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ एग्रीकल्चर लैंड ऑफ फर्टाइल सॉइल एंड फॉरेस्ट लैंड इज डिक्रीजिंग बिकॉज, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है वैसे ही हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड का भी डिक्रीजिंग होता जा रहा है। फर्स्ट, इंक्रीज इन पॉपुलेशन लीड्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, वेरियस रेजिडेंशियल कॉलोनीज, हॉस्पिटल्स फॉर पब्लिक वेलफेयर, पोस्ट ऑफिसेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स। अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड्स एंड अदर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड एंड सॉइल इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड एज ब्रिक किल्स। फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, कैटल्स, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड इज यूटिलाइज ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एवरी ईयर। लैक्स ऑफ हेक्टर्स ऑफ लैंड सर्फेसिस गेट वॉश अवे बाय रेन्स एंड फ्लड्स। जितने ज्यादा हम फॉरेस्ट की कटिंग करते जा रहे उतना ज्यादा एरिया हमारा बाढ़ की चपेट में आता जा रहा है। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज बताए थे पॉपुलेशन के। आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पॉवर्टी। पॉवर्टी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड द रिक्वायरमेंट इंक्लूड मिनिमम नीड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। पॉवर्टी लीव्स अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ मैन।
द वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीजेस एंड पॉवर्टी कंटिन्यूज। हमारे यहाँ पे वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है और गरीबी बढ़ती जा रही है। दिस फॉर्म्स अ विशियस सर्कल, इट मे बी पॉसिबल दैट फ्यू पीपल इन योर नेबरहुड डू नॉट गेट टू मील्स एवरी डे। हमारे आसपास में हम देखें तो कहीं ऐसे लोग हैं जिनको दो टाइम का खाना भी नहीं मिलता है। चिल्ड्रन एंड विक्टिम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड दे डोंट हैव सफिशियंट क्लॉथ, उनके पास क्लॉथ भी नहीं है एज पर वेदर, मतलब वेदर के अकॉर्डिंग। दे हैव टू लेबर फॉर लाइवलीहुड वेन दे शुड कम टू स्कूल। इकोनॉमिस्ट कॉल दिस पीपल विक्टिम्स ऑफ पॉवर्टी एंड लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। और हमारे यहाँ पे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इन लोगों को पॉवर्टी लाइन के मतलब गरीबी रेखा के नीचे के लोग बताए हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशन एंड ब्रिंग देम अबाउट द लाइन ऑफ पॉवर्टी। द गवर्नमेंट फर्स्ट आइडेंटिफाइज पर्सन एंड फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन टू प्रोवाइड कार्ड्स एंड द सेकंड इज टू प्रोवाइड देम हेल्प एंड एम्प्लॉयमेंट सो दैट दे मे बी लिफ्टेड अबाउट द पॉवर्टी लाइन। गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इसके लिए, देन उन्होंने आइडेंटिफाई पर्सन करना चाहिए एंड सेकेंडली उनको एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए ताकि वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ सके। थर्ड हेडिंग अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल वर्क इन वेरियस फील्ड्स टू अर्न देयर लाइवलीहुड टू फुलफिल देयर डेली एंड फ्यूचर नीड्स। अ पर्सन हु इज नॉट गैनफुली एम्प्लॉयड इज कॉल्ड एन अनएम्प्लॉयड पर्सन। जो पर्सन विल है उसके पास मतलब इच्छा है काम करने के, पर उसके पास काम नहीं है। इन अदर वर्ड्स अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन विच अ पर्सन मेंटली एंड फिजिकली फिट, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें पर्सन मेंटली एंड फिजिकली फिट है एंड इज विलिंग टू वर्क फॉर इनकम बट इज अनेबल टू फाइंड इट। उसकी इच्छा है काम करने की पर वो काम को ढूंढ नहीं पा रहा है। द फर्स्ट कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अवर कंट्री इज द स्लो ग्रोथ ऑफ अवर इकोनॉमी। द सेकंड कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द ट्रेमेंडस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। एज अ रिजल्ट मैक्सिमम पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 आर लुकिंग फॉर जॉब्स। इन द पास्ट डिकेड्स द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिड नॉट इंक्रीज इन कंपेरिजन टू द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। मतलब हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, पर हमारा पॉपुलेशन जो है उसके कंपेरिजन में ज्यादा इंक्रीज हो रही है। इवन द एजुकेटेड आर अनएम्प्लॉयड इन अवर कंट्री एंड द रीजंस लाइज इन देयर थिंकिंग। दे डू नॉट वॉन्ट टू टेक अप देयर ट्रेडिशनल एंड फैमिली प्रोफेशन। इन फैक्ट दे आर नॉट मच एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। हमारे पे एम्प्लॉयमेंट जो फैसिलिटीज है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में भी इतनी नहीं है। टू प्रोवाइड व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द एजुकेटेड जॉबलेस पीपल शुड कंसंट्रेट ऑन देयर ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइस राइज। नाउ यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास एंड हैव यू एवर थॉट दैट व्हेन यू वर इन क्लास फिफ्थ व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल। जब हम क्लास फिफ्थ में थे तो हमारी पेंसिल की क्या कॉस्ट थी, पेन की और कॉपी की। विच यू यूज दैट टाइम एंड हाउ मच इट कॉस्ट टूडे। Why do prices increases? Price rise is a good or not? Discuss about it with your friends and ask the teacher. From time to time, the government measures the price rise and efforts are made to check the price rise. To know the price rise, they are a wholesale price and consumer price index. Price rise को check करने के लिए हमें wholesale price और उसकी consumer price के बीच का difference देखना चाहिए। The prices of all produced goods are included in these indexes. Efforts are specially made to control the prices of consumer goods like food, cloth and other essential commodities to make the normal life of people smooth. The continuous and uncontrolled price rise leads the economy to crisis and poor becomes poorer. Jitni zyada price increase hoti jayegi us pe control nahi hoga to poor become poorer ho jayega. Sometimes the traders who mainly aim to gain more profits increase prices by illegal methods and if these items are in food grade it creates great problem for poor section. अगर इलीगली मेथड से अगर फूड प्रोडक्ट के अगर प्राइस इंक्रीज होती रही तो पुअर पीपल के लिए दिक्कत हो जाएगी। द प्राइस रेंज इंक्रीज इकोनॉमी इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी विद द सिंसियर एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड सिटीजन द प्राइस रेंज कैन बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल। और गवर्नमेंट के थ्रू ही ये अंडर कंट्रोल हो सकती है। लास्ट टॉपिक है करप्शन। टू गेट वंस वर्क डन पीपल पे कैश टू अ पर्सन और एनी एजेंसी दिस इज कॉल्ड करप्शन। किसी भी काम करने के लिए अगर उसे पैसे देना होता है तो वो करप्शन के अंदर आता है जिसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। स्टीलिंग ऑफ टैक्सेशन ऑल्सो कम्स अंडर दिस कैटेगरी। अगर हम टैक्स नहीं भरते हैं तो ये भी इसी कैटेगरी में आता है। यू रीड अबाउट करप्शन इन द न्यूज पेपर ऑन एंड ऑफन। बोथ द वन हु पेज एंड द वन हु रिसीव्स मनी आर क्रिमिनल्स। जो पैसे देता है या जो रिसीव करता है दोनों ही क्रिमिनल में इंक्लूड होते हैं। द करप्शन क्रिएट्स इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड द पुअर गेट्स मोर पुअर। इसी कारण जो पुअर होते हैं वो और ज्यादा गरीब होते जाते हैं। दिस करप्शन कॉर्स द रूल्स ऑफ प्रोग्रेस एंड द गवर्नमेंट हैज मेड रूल्स एंड नॉट टू कटल करप्शन। एक्सपेंसिव इलेक्शंस आर ऑल्सो द कॉज ऑफ करप्शन। बिसाइड्स द अबाव इश्यूज द इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज लीड टू द प्रेशर ऑन अपॉन लैंड ओपन लैंड इन सिटीज। समटाइम्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आर यूज एज ऑफिसेज और पब्लिक लाइब्रेरीज एक्सेट्रा। Sometimes they are used to dump goods, children use it as playgrounds and sometimes they are raised to the ground to make
new construction. This was a lesson and PDF will be sent to you.